आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना के मर्डर केस में एक नए शख्स की एंट्री हुई है जो कि शीना बोरा का पिता है। कोलकाता में रहने वाले शीना के पिता सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा कि इंद्राणी पैसे के लिए शीना का मर्डर कर सकती है। सिद्धार्थ ने इंद्राणी को लेकर जो जो बातें कही वो बेहद चौंकाने वाली है। 26 साल तक खामोश रहने वाला एक पिता अचानक बेटी की हत्या के बाद सामने आया। सबके सामने सवाल था कि जिस बेटी को उसी की मां ने गला दबाकर मार डाला, फिर भी ये पिता सामने क्यों नहीं आया। मुंह छिपाए सिद्धार्थ दास जैसे ही पहली बार मीडिया के सामने आया, पहला सवाल यही दागा गया। आज 7 से 8 दिन हो गया है, आपने खुद से पुलिस के पास अप्रोच क्यों नहीं किया? पुलिस हमको ढूंढना नहीं तो हम क्यों अप्रोच करें? आपने जो मुझे मुंबई में मीडिया मीडिया की तरफ हम जब जाना है, जो ऐसा वैसा हो रहा है सही गति में चल रहा है, हम देख रहे हैं सब सही है, कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हमें। फर्स्ट डे हम देखा झूठ बात बोल रहा था जो उसका सिस्टर है, तब हम सोचा था हम जाए, फिर शाम का न्यूज में हम देखा कबूल की है जो वो उनका डॉटर है, तब हम चलो ठीक है अभी भी ठीक चल रहा है, अभी सब ठीक चल रहा है। अचानक दिखा रहा है सिद्धार्थ दास इज हाइडिंग, ही वेंट टू बांग्लादेश, व्हाई शुड आई हाइड, व्हाट इज देयर टू हाइड। सिद्धार्थ दास इंद्राणी का पहला पति है, इसी सिद्धार्थ से शादी कर इंद्राणी ने शीला और मिखाइल को जन्म दिया। तब इंद्राणी 16 साल की थी और सिद्धार्थ 19 साल का। सिद्धार्थ को अपने बेटा बेटी की जन्म की तारीख आज भी याद है। शीना वॉज बॉर्न 11/2/1987, मिखाइल वॉज बॉर्न 9/9/88 इन गुवाहाटी ओनली, इन अ नर्सिंग होम, इन अ डिफरेंट नर्सिंग होम। लेकिन शीना जब 4 साल की और मिखाइल 3 साल का था, तभी इंद्राणी ने सिद्धार्थ से रिश्ते तोड़ लिए। कोर्ट से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन एक एफिडेविट पर इंद्राणी ने हस्ताक्षर कर सिद्धार्थ से संबंधों को तिलांजलि दे दी थी। ये है वो सर्टिफिकेट। खुद सिद्धार्थ दास ने भी इस बात को माना कि उनके बीच में तलाक नहीं हुआ था। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए उनको, हो सकता है उसके लिए हो सकता है। हो सकता है पैसा के लिए कोई भी किसी को मार सकता है, आजकल के जो जमाना चल रहा है पैसा के लालच में कोई भी किसी को। इसके बाद इंद्राणी ने गुवाहाटी में शीना और मिखाइल को अपनी माँ दुर्गा रानी बोरा को सौंप दिया और खुद कोलकाता चली गई। शीना और मिखाइल तब से अपनी नानी के पास ही पल बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि स्कूल की पेरेंट मीटिंग में भी नानी ही जाती थी। यही सवाल सिद्धार्थ दास से पूछा गया कि एक पिता होने के नाते क्या उन्हें कभी नहीं लगा कि अपनी औलादों के बारे में कोई खबर ले। इस पर सिद्धार्थ का जवाब सुनिए। I was not financially sound. What can I do? If I take them also. क्या वाकई पैसा न होने के चलते ही एक पिता ने अपनी दोनों औलादों की खबर नहीं ली? ये बात खटकती है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी हो सकता है जो सिद्धार्थ दास बता रहा है कि उनकी दोनों औलादें नानी के पास ज्यादा अच्छे से रह सकती थी। They were brought up by their grandfather and grandmother. That's right. Once before, in the beginning, I approached them. But they told, I told them I will take my daughter and son with me. They told me you don't have any work, you are not established. What will, how will feed them? लेकिन जब सिद्धार्थ दास को खोजा जा रहा था तो पता लगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। देखिए ये रहा सिद्धार्थ का परिवार। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ इंद्राणी और उससे हुई दोनों औलादों शीना और मिखाइल को भूलकर अपनी इस नई जिंदगी को सुकून से जीना चाह रहा था, इसीलिए उसने ना तो शीना की परवाह की और ना ही उसकी मौत की। क्योंकि सिद्धार्थ बार बार ये कह रहा था कि उसकी एक छोटी सी नौकरी है, वो किराए के घर में रहता है और ये सब सामने आने के बाद उसे नौकरी और किराए के घर से निकाल दिया जाएगा। आई एम हाइडिंग माई फेस, वाई? बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी, आई एम नॉट ए हाई प्रोफाइल मैन, आई एम ए सिंपल मैन, आई एम हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी, सो इफ आई शो माई फेस माई वर्क प्लेस मे बी टूडे ओनली आई मे बी सैक्ड, इफ यू कम टू नो आई विल बी सैक्ड, वेयर एवर आई एम स्टेइंग
wherever I am staying, I am staying in a rented house. Maybe they will tell me that you leave the place. लेकिन अब शीना का पिता सबके सामने आ चुका है. वो ना चाहे तो भी शीना की हत्या के मामले में पुलिस उससे पूछताछ करेगी. हालांकि सिद्धार्थ ने इस मामले में पुलिस को हर तरह से सहयोग करने का वादा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है. Whoever has done that one, they should be hanged to that. I want that. I'm ready to cooperate with the police. लेकिन संबंधों की उलझी हुई सनसनीखेज कहानी में एक बेटी के पिता की बेबसी और अब तक की खामोशी हैरानी भी पैदा करती है और कई सवाल भी खड़े करती है, जिनका जवाब शायद समय के साथ साथ ही सामने आएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज. और शीना मर्डर केस से जुड़ी ही इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से पूछताछ कर रही है. खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी से सवाल जवाब चल रहे हैं. माना जा रहा है कि आज पुलिस पीटर मुखर्जी से लंबी पूछताछ करेगी. इंद्राणी और शीना के संबंध कैसे थे, इस पर पुलिस पीटर मुखर्जी से पूछताछ लंबी करने वाली है. बड़ी खबर, खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी से सवाल जवाब चल रहे हैं. ज्यादा अपडेट के लिए खार पुलिस स्टेशन के बाहर से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. राजेश, ये बताइए कितनी देर हो चुकी है पूछताछ को लेकर और किस एंगल से ये पूछताछ चल रही है? देखिए, सवा घंटे की पूछताछ हो चुकी है. तकरीबन 10:15 बजे यहाँ पे पीटर मुखर्जी पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ का दौर जो है वो चल रहा है. उनका बयान लिया जा रहा है, शीना और इंद्राणी के रिश्तों के बारे में, साथ ही शीना और राहुल के रिश्तों के बारे में खास करके उनसे पूछताछ की जा रही है कि जब उन्होंने फ्लैट अलग लिया या फिर शीना का जब कत्ल किया गया, उनके गैरेज में गाड़ी पार्क की गई, इन तमाम बातों की उन्हें जानकारी कभी भी थी या नहीं थी. क्या उन्हें इस बात की जानकारी राहुल ने दी थी कि उसे शक है कि शीना का कत्ल भी किया जा सकता है, क्योंकि शीना का पासपोर्ट राहुल के पास था और इंद्राणी ये दावा कर रही थी कि शीना अमेरिका गई हुई है. तो क्या कभी उनके जहन में शक नहीं आया कि आखिर शीना कहां गई है, बिना पासपोर्ट को अमेरिका कैसे जा सकती है? क्या कभी उन्होंने इंद्राणी से यह जानने की कोशिश की कि क्या शीना के पास दूसरा पासपोर्ट था? तो ये तमाम बातें जो है वो पीटर मुखर्जी से पूछे जाएंगे आज, क्योंकि कत्ल का मोटिव जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, कत्ल का मोटिव जो है वो ठीक ठीक साफ नहीं हो पाया है और पुलिस को 5 सितंबर तक जो है वो रिमांड मिला है. इन 5 सितंबर तक पुलिस को मोटिव किसी न किसी हालत में जान लेना है. यही वजह है कि पीटर मुखर्जी से पूछताछ होगी और घंटों पूछताछ होगी. हो, 1.25 घंटे की पूछताछ हो चुकी है. साथ ही सिद्धार्थ दास से भी पुलिस ने पूछताछ का मन बनाया, अगले 2 से 3 दिनों में उन्हें भी मुंबई बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछताछ होगी. 1.25 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन लंबी पूछताछ ही चलने वाली है.